और ऐसे बीते हुए कल का एक गाना याद आ गया, आ गया महंगाई के ऊपर, सकी सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। कभी दाना चीनी लाए कभी आटा भी है लाए, कभी दाना चीनी लाए कभी आटा भी है लाए, सखी कैलेंडर बहुत ही खोए जात है, मैं गाइडलाइन खाए जाते हैं, सखी सैया बहुत ही कमात है, मैं गाइडलाइन खाए जाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, ये कहेंगे कि सरकार कुछ राहत दी, जनता परेशान है। क्या फर्क पड़ता है आपकी जेब पर? क्यों नहीं खराब, हम अगर 300 रुपए जो कमा रहे हैं वो हमें पूरे चले जाते। मैं बता रहा हूँ ना, पहले ये 4 खाता था, अब 2 रोटी पे जी रहा है, क्या साल जिएगा बंदा। महंगाई बढ़ी, इस पर आप क्या कहेंगे? अब जी भैया के बामन बनियान को, जिम्मेदार आदमी को तो कछु गुना है, अब गरीब आदमी को ही मरवो कछु गुना है भैया, गरीब आदमी को तो सच करे तो ही मरवो। महंगाई इतनी बढ़ रही है और मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई है, इससे बढ़िया थी कांग्रेस। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मनीष कुमार HBN News चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यहां आया हूं इनका बस स्टैंड पर के लिए, महंगाई के लिए आया हूं। देखिए आइए सुनते हैं लोगों से क्या कहते हैं इस बार। ये ऐसा है कि जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा तो ये दुकानदार जो री मटेरियल घर का लेके आते हैं वो खा जाते हैं। और ऐसे बीते हुए कल का एक गाना याद आ गया ये महंगाई के ऊपर, सकी सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। वाह भाई वाह, पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़े, पेट्रोल भी सिलेंडर के गैस भी डीजल भी। कभी दाना चीनी लाए कभी आटा भी है लाए, कभी दाना चीनी लाए कभी आटा भी है लाए, सखी कैलेंडर बहुत ही खोए जात है, महंगाई डाइन खाए जाते, सखी सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। यही कह रहे हैं कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सर आपका नाम? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह जी, आप क्या करते हैं? तुम तो कोई नहीं है, मजदूरी करते हैं। जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, ये कहेंगे कि सरकार कुछ राहत दी, जनता परेशान है। ट्रेन एक तो ऑनलाइन होने लगा, ट्रेन में भी परेशान है, जनता सारी परेशान है। कोई सुविधा ऐसी करे उससे डीजल से भी राहत, गन्ना टिकट वो चालू किया जाए, जो गन्ना टिकट है उसको चालू किया जाए, जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो थोड़ी वृद्धि करने चाहिए कि आदमी थोड़ा परेशानी से बाबू तो 4-4 रुपये तो बंद करने चाहिए। सिलेंडर जो है 800-800 रुपये का, अरे थोड़ा बहुत तो रसोई का है, थोड़ा कम होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है आपकी जेब पर? क्यों नहीं खराब, हम अगर 300 रुपये जो कमा रहे हैं वो हमें पूरे चले जाते। आपका नाम? अनकलम कुशवाहा। क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे मजदूरी के लिए आया था। मजदूरी के लिए आया था? मजदूरी पे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे 300 रुपये मिल रहे हैं, रोज के खाने का, मियाँ बीवी का 2 रुपये का खर्चा है, तो बच्चों के लिए 200 रुपये कहाँ से बचा पाएंगे? 1000 रुपये कमरे के लिए देने पड़ता है, 800 रुपये गैस के लिए देने पड़ता है, कुछ नहीं बचता है, 500 रुपये बचते हैं, कुछ नहीं बचता है। और ना बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए बचता है, ना किसके लिए बचता है, मंजूरी करनी पड़ेगी, मंजूरी में ना बचे तो जमीन भी बेचनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ा पाऊंगी बच्चों को? जमीन बेचनी पड़ेगी, ये सर हैं, इनको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, पहले ये 4 खाता था, अब 2 रोटी पे जी रहा है, क्या साल जिएगा बंदा भाई। सर महंगाई के है ना, मैं महंगाई को लेकर चल रहा हूँ। मजदूरी कम है आदमी की, 8 दिन खड़ती है, 4 दिन को 15 दिन बैठी रहती है, क्या करें आदमी, भूख मर जाए क्या? डीजल बढ़ गया, सब बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया,
वो क्या करे आदमी, सिलेंडर 832 सब बढ़ गया, क्या करे आदमी, लोग भूखे मर जाए क्या? हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों की भूख के मरने की नौबत आ गई है, और लोगों से बात करनी है। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा राम जी नाम है। जो महंगाई बढ़ रही है इस पर आप क्या कहेंगे? अब जी है भैया के बामन बनियान को जिम्मेदार आदमी को तो कुछ गुना है, और गरीब आदमी को ही मर वो गाँव में त्या लोग दो को भी लग जाए वैसे मजूरी वैसे बैठ जाए वैसे कुछ भी बड़ा हुआ कुछ गुना है भैया, गरीब आदमी को तो सकते रहते ही मर वो। बिजली का बिल भी बड़ा हुआ, बिजली को बिलू बढ़ जाए घट जाए ऐसे कोई ना छोड़े सरकार। गरीब आदमी की मजबूरी ठीक है, कोई नहीं है मैं जूते काम करता हूँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है और मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है, अशी की महंगाई है, मजदूरी पूरी नहीं, मजदूर कम हो जा रही होती है, आटा चीनी तेल सबकी महंगाई, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है 832 रुपये सिलेंडर, और खाते में कुछ नहीं आ रहा है, सब मोदी का सब मोदी आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा है खाते, कुछ नहीं है, रुपया नहीं आ रहा है, 832 सिलेंडर आ रहा है, अब वो भी ओवन लगाने में समझ गए वो अलग गिर गई, महंगाई इतनी बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड सिकंदराबाद बुलंदशहर। पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर वन कोचिंग क्लासेस जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है, यहाँ UPSI, UP पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, TET, SSC, CGL, GD, MTS और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टोनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल कंपटीशन क्लासेस। पता मीरा कम्प्लेक्स एटा चुंगी GT रोड अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214, 6397847915।